नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती। त्रिपुरा मानिक शाह ने सीएम पद से इस्तीफा दिया, सरकार बनाने का दावा किया पेश। 7 मार्च को शपथ लेंगे मेघालय के सीएम कोनराड संगम, पीएम होंगे शामिल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। हरियाणा के अंबाला में सड़क हादसा, बस से टकराया ट्रक, 8 की मौत, 15 जख्मी। कर्नाटक हिजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार। G20 के लिए भारत के एजेंडे का समर्थन करते हैं हम, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन का कहना। मेघालय में मतगणना के बाद मैरंग में हिंसा, राजनीतिक दल के दफ्तर में हुई तोड़फोड़, धारा 144 लागू। मुंबई राज ठाकरे के करीबी एमएनएस नेता संदीप देशपांडे पर हमला, हिंदुजा अस्पताल में हुए भर्ती। भोपाल में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7वें धर्म धम्म सम्मेलन का करेगी उद्घाटन। और मुंबई में शाहरुख खान के घर में घुसे गुजरात के 2 युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार।